फ्रेंड, मैं सुशांत और स्वागत आपका फिर से ज्ञान आयकन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि आप डाउटनेट ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप डाउटनेट ऐप को कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डाउटनेट ऐप को यूज करने से पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको डाउटनेट ऐप में लॉगिन करना है, ठीक है। दोस्तों, आप डाउटनेट ऐप में लॉगिन कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना डाउटनेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने पे डाउटनेट ऐप को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, फाइनली डाउटनेट ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे डाउटनेट के होम वाले टैब से। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउटनेट के होम वाले टैब में ही हैं हम लोग, ठीक है। होम वाले टैब में दोस्तों सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, आपने लॉगिन करने टाइम जो भी क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट किएंगे वो क्लास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप क्लास चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक कैमरा का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं डाउटनेट ऐप पे तो दोस्तों आप इस कैमरा के ऑप्शन पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों, आप डाउटनेट से क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कैमरा के जस्ट ऑप्शन के नीचे में दोस्तों यहाँ पर आपको एक सर्च बार देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस सर्च बार में किसी भी कोर्स को, किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी बुक के सॉल्यूशन को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च बार के जस्ट नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस लोगो पे क्लिक कर देता हूँ, एरो वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टडी विद डाउटनेट का, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। तो दोस्तों, आपके क्लास का जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हुए होंगे उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे ऐड ब्लॉकर का, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप डाउटनेट के ऐड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, वहाँ से ऐड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो दोस्तों, आपके क्लास का जितने भी एनसीईआरटी बुक होंगे अगर उसका आप सोल्यूशन चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर ले सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पे मैथ का, ठीक है। तो दोस्तों, आपके क्लास में जितने भी मैथ के बुक होंगे अगर उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। पांचवा ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश सीखो का। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बोलना तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है। छठा ऑप्शन में दिखाई देगा दोस्तों आपके फिजिक्स का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, आपके क्लास में जितने भी फिजिक्स के बुक होंगे अगर आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप फिजिक्स वाले ऑप्शन पर जाके ले सकते हैं, ठीक है। सातवां ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी का। तो दोस्तों, आपके क्लास में जितने भी बायोलॉजी के बुक्स होंगे अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्काउंट एंड रिवॉर्ड्स का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे डेली अटेंडेंस का, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप डाउटनेट यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पे डेली अटेंडेंस आके लगाते हैं तो दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे DNR मिलेंगे, यानी कि कुछ कॉइन्स मिलेंगे जिससे आप कोर्स को खरीदने में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों CEO रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों खेलो और जीतो का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप खेल के कुछ पॉइंट्स को आप जीत सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, जिसके बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स को खरीदने में, ठीक है। जस्ट दोस्तों इसके नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे स्टडी ग्रुप का, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बनाते हैं इसी तरह यहाँ पे आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं डाउटनेट पर, ठीक है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बेसिकली दोस्तों, आप इस ऑप्शन पर जाकर आप व्हाट्सएप से भी किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं डाउटनेट पर, ठीक है। आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों, मैंने इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा डाउटनेट चर्चा का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में चर्चा यहाँ पे स्टूडेंट ही करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप किसी भी टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते तो आप यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब भी यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। दोस्तों, हमने इस वाले ऑप्शन को अच्छे तरह से जान लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको पे कोर्सेज फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों, आपके क्लास में जितने भी कोर्स लॉन्च होते हैं वो सारे के सारे लॉन्च कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चाहे तो दोस्तों आप इसे खरीद भी सकते हैं यहाँ पे गेट एडमिशन पर क्लिक करके, ठीक है। हालांकि दोस्तों, आप डाउटनेट से किसी भी कोर्स को कैसे खरीदेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
इसके जस्ट नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑफर्स फॉर यू का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए जितने भी ऑफर्स आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन दिखाई देगा, रिकमेंडेड क्लास, पास्ट क्लास और लाइव क्लास का, ठीक है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अभी दो ही क्लास दिखाई दे रहे हैं, रिकमेंडेड क्लास और पास्ट क्लास का ऑप्शन, ठीक है। जब आपके क्लास का कोई भी क्लास लाइव होगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा लाइव का भी, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से लाइव क्लास को भी देख सकते हैं, ठीक है। जब क्लास लाइव होगा तो आपको यहाँ पे लाइव का बटन आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको टॉपर्स के कुछ वीडियोस दिखा देंगे, चाहे तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाया देगा डॉटनेट के कुछ पॉपुलर टीचर्स, ठीक है। चाहे तो दोस्तों आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं और पर्सनली उसका वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इस टीचर्स को फॉलो करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों होगा क्या, जब भी इस टीचर का कोई भी लाइव क्लास होगा और या फिर कोई भी वीडियो पब्लिश होगा तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों इस टीचर का जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ पॉपुलर बुक के सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं बुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने कम्प्लीटली होम वाले टैब में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों होम वाले ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देने के लिए मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों हम ऑनलाइन क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे फ्री क्लास वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों फ्री क्लास वाले ऑप्शन के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा चेक ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक ऑल कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपके क्लास के जितने भी कोर्स लॉन्च होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उनके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। और दोस्तों आप यहां से किसी भी कोर्स को खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहां पे आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो है कि फ्री क्लासेस वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहां पे फ्री क्लासेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे दोस्तों कंटिन्यू वाचिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कंटिन्यू वाचिंग में दोस्तों वही सब वीडियो दिखाई देंगे जिसको आपने प्ले किया होगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे लाइव क्लास का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लाइव क्लास के ऑप्शन में जस्ट यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला है लाइव का ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों अभी जो क्लास लाइव होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पास्ट का, जो क्लास यहाँ पे हो चुका है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पास्ट वाले ऑप्शन पर जाकर, ठीक है। और तीसरा दोस्तों है अपकमिंग का, ठीक है। दोस्तों जो लाइव में आने वाला है जो क्लास वो आपको यहाँ पे अपकमिंग वाले क्लास में दिखाई देने लगेगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो है दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लेटेस्ट क्लास का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो लाइव क्लास हुआ है वो के सारे क्लास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज पॉपुलर क्लास का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहते हैं मैथ का कोई भी क्लास करना या फिर फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको रिकमेंडेड क्लासेस दिखाई देंगे जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको हर चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्लास दिखाई देगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है। अगर ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जाम के गाइडेंस के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे तो आप इसे देख भी सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इन वीडियोस में ये बताया जाता है कि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे लोकल टीचर जितने भी हैं डाउटनेट पे वो सारे सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी डाउटनेट पर टीचर बनना चाहते हैं लोकल टीचर, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टीचर वाले ऑप्शन से जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको देखने के लिए अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं अब ऊपर, ठीक है। ऊपर में दोस्तों यहाँ पे फ्री क्लास वाले ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्री एनसीईआरटी का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री एनसीईआरटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, बुक होते हैं, उन सारे के सारे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आके चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर सब्जेक्ट वाइज भी सॉल्यूशन ले सकते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ। ऊपर में दोस्तों यहाँ पे फिर एक ऑप्शन दिखाई देगा डेली क्यूज का ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आप क्यूज ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्यूजेस दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट इसके बगल में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अगर आप दोस्तों मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके दे सकते हैं, ठीक है। आपके क्लास का मॉक टेस्ट रोज होता है यहाँ पे, ठीक है।
जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको टीचर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डाउटनेट का जितने भी पॉपुलर टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। चाहे तो दोस्तों आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने पूरा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के जस्ट राइट साइड में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे डाउट का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप डाउटनेट से किसी भी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों आप डाउट पे जाके किसी भी क्वेश्चन को कैसे पूछेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डाउट वाले ऑप्शन के जस्ट राइट साइड में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शॉर्ट्स का, ठीक है। तो दोस्तों आप इस पर क्लिक करके शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो को देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड ब्लॉकर का, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको पे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप डाउटनेट के एड्स को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेके बंद भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप फ्री में कैसे बंद करेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने डाउटनेट में जितने भी नीचे के ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस को हम लोगों ने अच्छे में डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों के पास एक मेन ऑप्शन बचता है जो कि दोस्तों यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन के जस्ट ऊपर में आपको यहाँ पे प्रोफाइल फोटो वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो भी आपने प्रोफाइल पिक्चर को लगा रखा है वो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा होगा, और जस्ट इसके बगल में दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोफाइल नेम दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी आपने प्रोफाइल नेम को लगाया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप ये दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल आसान तरीके से या तो आप प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं या आप प्रोफाइल नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो मन में आए वो आप चेंज कर सकते हैं आप इस पर क्लिक करके, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा आपको चेंज क्लास का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप अपना क्लास को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाकर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में दोस्तों आपको चेंज लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो अगर आप डॉटनेट के लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर जाकर चेंज कर सकते हैं, या फिर हिंदी बंगाली जो भी रखना है आपको लैंग्वेज वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन पिन का ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों अगर आप लॉगिन पिन यहाँ पे बनाते हैं तो दोस्तों आप बिना मोबाइल नंबर के डॉटनेट को लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन पिन के जरिए, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी आप लोगों ने डाउटनेट पे दिया होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा CEO रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों इस ऑप्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये व्हाट्सअप वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा आपको फ्री क्लासेस का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके क्लास के जितने भी फ्री क्लासेस होंगे वो आप यहाँ से आ जाके देख सकते हैं, ठीक है। फ्री क्लासेस के ऑप्शन के जस्ट नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हिस्ट्री का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने डॉटनेट पर जितने भी एक्टिविटी किए हैं जितने भी वीडियो को देखे हैं तो दोस्तों उसका हिस्ट्री आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डेली अटेंडेंस का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप डाउटनेट पे अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जाके लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैंने इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डेली अटेंडेंस के नीचे दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्वेश्चन आस्क्ड हिस्ट्री का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने डाउटनेट पर जितने भी क्वेश्चन को पूछा है वो उसका हिस्ट्री आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको माई PDF का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने डाउटनेट पर जितने भी PDF को डाउनलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव्ड प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने डाउटनेट के वीडियो को अगर आप प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो को सेव किए हैं तो आप यहाँ पे आ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको वॉच लेटर का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने डाउटनेट के किसी भी वीडियो को अधूरा देखा होगा, अगर उसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा DNR का, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग डाउटनेट पर किसी भी तरह का एक्टिविटी करते हैं तो उसके बदले में दोस्तों आपको कुछ क्वाइंट्स मिलते हैं, वही होता है DNR, ठीक है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं आपका कितना क्वाइंट्स मिला, यानी कितना DNR हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको स्टडी ग्रुप का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों हालांकि आप डाउटनेट पर स्टडी ग्रुप कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा आपको खेलो और जीतो का ऑप्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पे खेल के जीत सकते हैं क्वाइंट्स को, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउट पे चर्चा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके बारे में आप चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे जाकर, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेली गोल का, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके सेट कर सकते हैं गोल को, ठीक है।
इसके अंदर जस्ट नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे रिवीजन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने जितने भी पढ़ा होगा अगर आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस पर जाकर क्लिक कर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे गेम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो दोस्तों अगर आप डॉट नेट पर गेम खेलना चाहते हैं तो आप इस पर जाकर खेल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा DN वॉलेट का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने डॉट नेट से जितने भी कॉइन्स को यानी कि पैसे को अर्न किए होंगे वो पैसा आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, ठीक है, ये DN वॉलेट पर, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पे एक पेमेंट हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने डाउट नेट से किसी भी कोर्स को खरीदा होगा या फिर आप लोगों ने डाउट नेट को कोई भी पेमेंट किया होगा तो उसका अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, ठीक है। तो दोस्तों आप सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर डाउट नेट के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं और डाउट नेट से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा FAQ का ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डाउट नेट के बारे में ट्यूटोरियल। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना आप लोगों को भूलना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।